जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी बेसिक कैलोरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी है तो प्लीज़ उसको जाके चेक करें। उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ फॉर्मूलाज और लिंक्स मेंशनड है जिस पे आप जाके अपनी कैलोरीज़ के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, बिकॉज उसकी इन्फॉर्मेशन और इसकी इन्फॉर्मेशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं अबाउट अ सूटेबल डाइट प्लान एंड फैट लॉस। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डाइट जो होती है वो 70% रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू अ डे इन द लाइफ ऑफ बींग सिंपली फिट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कोई भी डाइट शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी होती है वो होती है एक प्रॉपर स्लीपिंग टाइम। जैसे कि मैं अभी अपनी करंट सिचुएशन को देखूं तो मैं ऑलमोस्ट 4 बज जाते हैं मुझे सोते हुए, पर मैं 4 से 12 या 4 से 11 के बीच में सोता हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। तो अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, और अपना अगर आप इंटेंस वर्कआउट भी कर रहे हो, नॉर्मल वर्कआउट भी कर रहे हो, तो उसके बाद मिनिमम आपको 7 to 8 hours की स्लीप लेना ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 ट्राई करें कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से सो पाएँ उतना ज़्यादा सोएँ, थोड़ी स्ट्रेस लेस लाइफ जिए स्ट्रेसफुल की जगह। सो प्लीज़ डाइट शुरू करने से पहले आप इस चीज़ पर फोकस करें। ये डाइट आपको एक और चीज़ में हेल्प करेगी जो कि आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, दैट इज़ इनडाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग गलत टाइम पे खाना खा लेते हैं और फिर प्रॉपरली इसको डाइजेस्ट नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से हमें हो जाती है इनडाइजेशन, विच इवेंचुअली लीड्स टू गैस। तो अगर आप इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्टमक और आपका गट बिल्कुल हेल्दी रहने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड इस डाइट को फॉलो करें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है ट्यूसडे और आज हमारी डाइट का है डे 11th। पिछले 11 दिन से आई एम कंटिन्यूसली ऑन कैलोरी डेफिसिट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरा वैसे तो मेंटेनेंस कैलोरी 3400 कैलोरीज है, बट मैं 2850 कैलोरीज ले रहा हूँ इतने दिनों से, प्लस 13 to 14 hours की मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। सो आज के दिन में हम वही सब देखेंगे कि कैसे क्या, कौन से टाइम पर डाइट लेता हूँ और कैसे मेरे मील्स डिवाइडेड हैं। एंड चलते हैं अभी सबसे पहले उठने के बाद फॉर अ कप ऑफ वार्म वाटर। सुबह उठने के बाद आप कुछ ना कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, जैसे मान लो थोड़ी बहुत ब्रिस्क वॉकिंग हो गई या फिर कुछ ऐसे मतलब वार्म अप एक्सरसाइज आपने कर ली, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है। एंड ये थोड़ा आपका मेटाबॉलिक रेट तेज़ करने में हेल्प करती है एंड अच्छा भी होता है बॉडी की हेल्थ के लिए कि जब आप सुबह उठे तो आपने कुछ ना कुछ वर्कआउट कर दिया बिफोर ईटिंग एनीथिंग। सो अभी हम वही कर रहे हैं, 10-15 मिनट के लिए कंटिन्यूसली वॉक करेंगे बस यहाँ पे। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ अपने ब्रेकफास्ट में 6 eggs खाना, जिसमें से कि 4 होते हैं वाइट्स एंड 2 होते हैं होल एग्स। उसके साथ मैं प्रेफर करता हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड विद एन एप्पल। एंड ट्यूसडे और थर्सडे जब घर पे नॉनवेज नहीं बनता है तो मैं प्रेफर करता हूँ डोसा, उत्पम या उपमा टाइप चीज़ें। एक अच्छे से ब्रेकफास्ट मील के बाद अब भूख बिल्कुल नहीं लगी है, सो नाउ वी आर गोइंग आउट टू डू सम वर्क जो कि हमें करना था। एंड मैंने स्पेसिफिकली ये दिन इसलिए चूज़ किया था बिकॉज आज काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है बाहर जाना इतने टाइम के बाद। तो लेट्स सी कि मेरी डाइट कैसे कोप करती है जब मैं बाहर जाता हूँ, एंड लेट्स सी यू ऑन द अदर साइड। फाइनली मैं अपने दिन का काम खत्म करके वापस घर आ चुका हूँ। इट इज़ टाइम फॉर मील 3। मील 3 इज़ द बेसिक घर का खाना जो कि हम सब लोग यूजुअली खाते हैं, चाहे वो रोटी हो गई विद सब्जी और दाल, या फिर चावल आप खाते हो अगर आप चावल के शौकीन हो तो आपको बस वही खाना खाना है। बस जो भी आप खाओ आप उसको लो फैट या लो ऑयल में कुक करो। जैसे कि आज मैं खा रहा हूँ बीन्स की सब्जी विद रोटी,
एंड इसको मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने कर्ड के साथ जो कि मैं खाता हूँ एपिगामिया का, बिकॉज ये ग्रीक योगर्ट है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मी विद हाई प्रोटीन कंटेंट, तो इसलिए मैं इस कर्ड को खाता हूँ। अगर आपको यूजुअली खाना है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मिक्स फ्लेवर्स में ये आता है एंड इट इज़ फॉर 45 रुपीज़ आई गेस फॉर दिस वन कप। तो इस मील को आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसके बाद हम करेंगे वर्कआउट एंड अपनी कैलोरीज को आप काउंट करते रहिए यूजिंग माई फिटनेस पैल ऐप, आपको उससे बहुत हेल्प होगी। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट मील आफ्टर माई वर्कआउट सेशन। जनरली जो मेरा मील टू होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ वे प्रोटीन शेक, बट क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मेरी डेली की एक्सरसाइज कितनी हो रही है, जैसे कि मैं अपने रोज़ के रूटीन में दो बार ट्राई करता हूँ कि एक्सरसाइज करूँ, एक बार सुबह कार्डियो और एक बार शाम में विद वेट ट्रेनिंग। तो आज क्योंकि मुझे बाहर जाना था तो मैंने अपना सुबह का कार्डियो बिल्कुल ही हटा दिया था, इसलिए मैंने अपने मील टू में सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ली और मैंने उस कॉफ़ी को पी के अपना मील ख़त्म किया। अगर आप लोग कुछ और लेना चाहते हो तो आप उसके साथ उस टाइम पे नट्स खा सकते हो, जैसे ऑलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गया, अखरोट हो सकते हैं, कैशूज हो सकते हैं, ये सब आप चीज़ें खा सकते हो। अदरवाइज़ आप भी कुछ और ट्राई कर सकते हो, जैसे कि नींबू पानी पी लिया आपने, फ्रूट्स खा लिया आपने उस टाइम में, तो आप ऐसे करके अपनी कॉन्स्टेंट स्नैकिंग की हैबिट भी हटा सकते हो। बट अब क्योंकि मैंने मील टू में कॉफ़ी ले ली थी तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील हुआ एंड उसके बाद मैं वापस घर आके खाना भी खा चुका हूँ, तो अब थोड़ी नींद आने लग गई है। सो वी हैव टाइम फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स रेस्ट करने के बाद लेट्स मीट यू इन द वर्कआउट सेशन। वर्कआउट सेशन, इट्स नाउ टाइम फॉर मील फोर। मील फोर में है हमारा प्रोटीन शेक विद वन बनाना एंड सम वॉलनट्स और आलमंड्स। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मील की तरफ। वर्कआउट करने के बाद और थोड़ी देर बाहर घूम के टहल के आने के बाद मैं प्रेफर करता हूँ अपना लास्ट मील दिन का लाइन लेना, जो कि जनरली 10 से 11 बजे के बीच में होता है। और मेरा जो लास्ट मील होता है वो जनरली कंसिस्ट करता है सैलेड एंड सम सॉर्टेड वेजिटेबल्स विद पनीर एंड चिकन। तो आइए चलते हैं अपने लास्ट मील की तरफ। जब आप अपना शुगर लेवल इंटेक करना एकदम कम कर देते हो तो आपकी बॉडी में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं, एनर्जी थोड़ी लो रहती है स्टार्टिंग में एंड काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स भी होती हैं, बट उस चीज़ से आप कोप अप ज़रूर करें बिकॉज उसका एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी लोगों ने, जब मैंने एकदम स्टार्ट करा था डाइट को, तो काफ़ी लोगों ने, मेरे घर वालों ने भी बोला था, बाहर में जिनके साथ खेलता उन्होंने भी बोला था कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में लो लग रहा था मैं, बट वो होता है, बट उसके इफेक्ट्स एंड में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट रिजल्ट्स। बाकी आपको सभी को पता है कि बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं होता है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, एकदम बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है और मैं प्रोबेबली अभी 12:30 के करीब हुआ है और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सो आई होप दैट यू फाइंड दिस डाइट हेल्पफुल। बाकी चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे।
इस डाइट ने मुझे हेल्प किया है पिछले 10 दिन में ऑलमोस्ट अराउंड 3 kgs लूज़ करने में, एंड ये सारा का सारा प्रोसेस एक हेल्दी वे में हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना पूरा डाइट प्लान एंड अपना वर्कआउट रूटीन मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख के फॉलो कर सकते हैं। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिंग द बेल आइकन। स्टे सेफ, स्टे सिंपली फिट। जय हिंद।